मगध उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गांधी जी नगर पूजा की गया अभय पैलेस में शिक्षक दिवस सह सम्मान समारोह का आयोजन हर्षोल्लास और रंगारंग कार्यक्रम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर शहरयार अहमद खान सूरी कमांडेंट विद्यालय प्राचार्य प्रवीण रंजन गांधी, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अवोध कुमार एसोसिएट प्रोफेसर दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया अमित नंदन DSP मनीष कुमार श्रीवास्तव गर्मामय उपस्थिति डॉक्टर शारदा शाहिन सामाजिक कार्यकर्ता सुधीर कुमार स्वयंसेवी संस्था काउंसिल ऑफ मगध वुमेन एम्पावरमेंट के सचिव सुश्री तम कनत और अध्यक्ष नवीन रंजन ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित के साथ डॉक्टर सर पल्ली राधाकृष्णन एवं विद्यालय के दिवंगत प्राचार्य डॉक्टर शिव कुमार शर्मा के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम को शुरुआत किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि और आगत अतिथियों को अंगवस्त्र पुष्प गुच्छ और मोमेंटो देकर स्वागत किया गया है। गया से रोशन कुजापी में मगध हायर सेकेंडरी स्कूल का स्थापना शिव प्रसाद शिव कुमार शर्मा जी ने और कितने साल करीब 20 साल पहले किया था और गांधी जी इस जगह के लिए बहुत बड़े समाज सुधारक, बहुत बड़े शिक्षाविद और हेल्थ के फील्ड में गांधी जी का जो सहयोग रहा वो इस एरिया में किसी और ने नहीं किया है। जिस तरह का 20 साल पहले या 30 साल पहले जो कुजापी का समाज था, उस समाज के पूर्ण उत्थान के लिए जो काम गांधी जी ने किया, वही काम उनके सुपुत्र प्रवीण कुमार जी उसको आगे लेकर चल रहे हैं और हमारी स्कूल को आगे बढ़ने के लिए, इन बच्चों के आगे बढ़ने के लिए हमारी ढेर सारी शुभकामनाएँ हैं। और जो भी हमारे पुलिस विभाग से या हेल्थ सेक्टर से जो भी इनकी हेल्प हो सकती है, जो भी हम मदद कर सकते हैं जिस स्तर पर भी, उसके लिए हम लोग हमेशा ही इनके साथ हैं। धन्यवाद। मगध हायर सेकेंडरी स्कूल के कार्यक्रम में हम आए हुए हैं। गया के BSF 3 में हमारी पोस्टिंग है। कार्यक्रम को देखने से और मैनेजमेंट से लग रहा है कि ये स्कूल बहुत अच्छा है और बहुत आगे तक जाएगा। स्टूडेंट को मेरा सुझाव बस एक ही है, जो महाभारत में कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था कि एक गोल सेट कर लो और तुमको सिर्फ मछली की आँख दिखाई देनी चाहिए बस। और हम खुद उदाहरण देते हैं, हम बचपन में ऐसा मेरे पापा मम्मी कहते थे कि हमको शौक था कि हम वर्दी की नौकरी लेंगे और हम वर्दी की नौकरी लेने में सफल हुए। तो किसी भी अपने नए जनरेशन को यही शुभकामना देते हैं कि टारगेट सेट कर लो, ईमानदार प्रयास करो। धन्यवाद। मैं भी एक शिक्षक हूँ और ये आज बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है शिक्षक दिवस हम लोगों के लिए। और मगध हायर सेकेंडरी स्कूल में शिक्षक दिवस के समारोह में मैं आया हूँ और इस यहाँ पर उपस्थित जितने लोग हैं, शिक्षक हैं, अभिभावक हैं, यहाँ के जो प्रधानाचार्य हैं और जो अतिथिगण हैं, बच्चे हैं, इन सबको मैं शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ। बच्चे अपना मेरा डॉक्टर अबोध कुमार, मैं एसोसिएट प्रोफेसर। शुभकामनाएँ। जैसा कि आज आप देख रहे हैं कि मगध उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के द्वारा शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षक दिवस का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। इस सम्मान समारोह में इस समाज में जो रिटायर्ड टीचर हैं, वैसे शिक्षक, कुछ शोधार्थी और शहर के गणमान्य डॉक्टर्स को भी हम लोग सम्मानित करने का कार्य कर रहे हैं। और यह कार्यक्रम सांस्कृतिक कार्यक्रम के पीछे टीम बेस्ड हम लोग कार्यक्रम रखे हैं कि हम लड़कियों को कैसे पढ़ाएँ, इनकी सुरक्षा के लिए हमें क्या करनी चाहिए। तो इन्हीं तथ्यों पे यह शिक्षक दिवस का कार्यक्रम आधारित है। पुनः शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। धन्यवाद। बात ग्रामीण और शहर का नहीं है, अगर मन में इच्छा शक्ति आप रखते हैं
तो बड़े से बड़े कार्य को ईमानदारी पूर्वक कर सकते हैं और सतह पे अपना सकते हैं, जिसका उदाहरण आप देख भी रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से हम अभिभावकों से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि जिनके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं अच्छी बात है, और जिनके बच्चे अगर यहाँ इस विद्यालय से नहीं जुड़े हैं मैं उनसे निवेदन करूँगा कि आप जुड़ने का प्रयास करें और देखिए कि यहाँ के बच्चे कैसे बेहतर कर रहे हैं। सिर्फ पढ़ाई के ही क्षेत्र में नहीं, पढ़ाई के साथ साथ बहुमुखी विकास का आवश्यकता है बच्चों को।